तो हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा एस के एंड टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए एक बहुत ही प्यारे से फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से जो है मैं फ़ोन की वीडियो नहीं ला रहा था, तो काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे कि भाई फ़ोन की वीडियो लेकर आओ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से फ़ोन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आएगा। तो यार, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दो, एक फाइल मैनेजर का और एक फॉन्ट का, दोनों को ही आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल मैनेजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही उसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इजीली आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाना है और लास्ट में जाके नीचे से चौथे नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है शो हिडन फाइल, ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेंगे। डन। उसके बाद आपको अपने इंटरनल में जाना है और आपका फ़ोन डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। फ़ोन भी आपको डाउनलोड कर लेना है, याद है ठीक है। फ़ोन डाउनलोड करके डाउनलोड फोल्डर में जाना है ठीक है। लेकिन मैंने दूसरे फोल्डर में रखा है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने जो रखा है इस फोल्डर में रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा फ़ॉन्ट, और जो फ़ॉन्ट का नाम है वो है केजी प्राइमरी। जी हाँ दोस्तों, केजी प्राइमरी हमारा फ़ॉन्ट है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और बैक जाएंगे कॉपी कर, सिलेक्ट करके कॉपी करके बैक जाएंगे DWD फोल्डर में जाएंगे। उसमें जितने सिंगल फोल्डर आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, सारे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है टी फोल्ड, सॉरी एफ फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट हो तो उसे डिलीट कर देना है। डन। हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अपने आई थीम्स को ओपन करना है, फिर से क्लोज करना है, फिर ओपन करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा। डन। हम इस फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेंगे इजिली, तो हमारा फ़ॉन्ट जो है अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। चलिए अब मैं आपको इस फ़ॉन्ट का रिव्यू करा देता हूँ। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा गाइज। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का फ़ॉन्ट है। काफ़ी अच्छा, बहुत ही स्टाइलिश टाइप का फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है ठीक है गाइज। यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी बग नहीं मिलेगा फ़ॉन्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर वगैरह में भी, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, कोई भी बग नहीं है ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सेटिंग्स बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, मैसेज बैकग्राउंड दिखा दे, सो मैसेज के फ़ॉन्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट अच्छे से हैं एंड यहाँ पे कोई भी बग नहीं है। तो देखिए, सेटिंग्स का जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके का मिलेगा। चलिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का जो स्टाइल्स है आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी प्यारा सा जो लुक है आपके फ़ोन को यहाँ पे मिल जाता है, आप देख रहे होंगे ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ़ॉन्ट मिल जाएगा। चलिए गाइस, जब बात कर लेते हैं FrontOS 10 के बारे में, तो क्या आप इस फ़ोन को FrontOS 10 में अप्लाई कर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप इसको FrontOS 10 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ FrontOS 9 के लिए है या फिर 8 के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स भी कर रहे हैं कि FrontOS 10 के लिए कोई फ़ॉन्ट लेकर आओ। तो भाई, आपको कुछ टाइम जो है वेट करना रहेगा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था फ़ॉन्ट की, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम फ़ॉन्ट को जो FrontOS 10 के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ॉन्ट नहीं मिलेंगे या फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे FrontOS 10 में, ऐसा नहीं है। बट आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है वीवो V11 Pro है, और इसमें फ़िलहाल अभी जो है Android 10 का अपडेट नहीं आया। इसमें थोड़ा सा भी टाइम बाकी है। जब इसमें Android 10 का अपडेट आ जाएगा, शायद इसी मंथ आपको Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाए, उसके बाद में यहाँ पे जो है FrontOS 10 का सेटअप करूंगा और सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेटअप बाय सेटअप FrontOS 10 में फ़ॉन्ट को अप्लाई कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम और बहुत ही इजीली। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी देख, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।